हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा। और ये दोस्तों हम आज छठी अपना मनाएंगे। और देखो दोस्तों, मैंने अपना जैसे जिस पे अगर कोई मूर्ति ना हो तो तस्वीर से अपना पूजा कर सकते हैं, तो आज हम तस्वीर से अपना छठी मनाएंगे। और पहले मैंने अपना चौकी बिठाई है और चौकी के ऊपर फिर अपना राधा कृष्ण के पास जो मेरे पास तस्वीर थी मैंने वो विराजमान की है। तो दोस्तों उसको विराजमान करने के बाद में आप लोग पहले अपना फूल चढ़ाइए, और फिर अगर आपके पास दोस्तों माला है तो फूल माला अगर चढ़ा सकते हो तो फूल माला, नहीं तो अपनी रेडीमेड वाली जो माला होती है आप वो भगवान जी को चढ़ाइए। और उसके बाद में ये दोस्तों मैंने प्रसाद अपने कन्हैया का तैयार किया है। और जैसे आपको पता होगा कि कढ़ी चावल का भोग इसमें लगता है, तो कढ़ी है, चावल है, फल है और मीठा है दोस्तों। और जैसे अपने बच्चे को अपना टॉफ़ी पसंद रहती है, चॉकलेट कुछ भी अपना वो लिया है मैंने। और दोस्तों अब हम अपना कृष्ण कन्हैया जी को तिलक करेंगे। और तिलक चंदन का हो, केसर का हो या फिर सिंदूर का, जैसे आपके पास हो उस हिसाब से आप ले सकते हो दोस्तों। और ये हम अपना सारी चीज़ों पे, और ये मेरा दिया मैंने प्रज्वलित कर दिया था, दिए पे, फल पे, सब पे हम अपना दोस्तों तिलक करेंगे। और कुछ इस तरीके से हम छठी आज मनाएंगे। तो आप लोग अगर आपके पास मूर्ति ना हो तो तस्वीर से भी अपना छठी कर सकते हो। और ये दोस्तों दक्षिणा से हम ज़रूर अपने भगवान पे अर्पित करते हैं, और चाहे आप इसको दान कर दो या फिर कुछ भी फल वगैरह लेके किसी गरीबों में बांट दो, या फिर मंदिर में अपना आप दक्षिणा रख के आ सकते हो। वो जैसी आपकी श्रद्धा हो और जितनी आपकी श्रद्धा हो आप उस हिसाब से कर सकते हो। और दोस्तों जैसे छठी पे काजल डलता है तो काजल हम अपना घर में ही जैसे बना के और तब लगाते हैं। बाकी आप अगर रेडीमेड ला सकते हो तो रेडीमेड भी ला सकते हो, उसमें कोई परहेज नहीं है। लेकिन हो सकता है तो अपना घर पे ही बना के अपने कृष्ण कन्हैया जी को काजल का टीका ज़रूर लगाइए दोस्तों, कि हमारे कृष्ण कन्हैया को नज़र ना लगे। और ये राधा रानी जी को भी हम लगाएंगे दोस्तों, और हाथ पे, और जैसे कि हमारी मम्मियाँ जैसे लगाती थी या हम अपने बच्चे को लगाते हैं हाथ पे, पैर पे, कि हमारे नंद गोपाल को किसी की भी नज़र ना लगे। और ये दोस्तों हमने लिया है इत्र, अपने भगवान जी को हम इत्र ज़रूर लगाएंगे। चाहे गुलाब का ले लो आप, चाहे चंदन का ले लो, जैसे भी लो, लेकिन इत्र आप अपना ज़रूर रखें, क्योंकि हमारे बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया जी को इत्र बहुत पसंद है। तो उस हिसाब से हम अपना, और बांसुरी जैसे मैंने पहले भी बताया था कि बांसुरी हमारे घर में ज़रूर होनी चाहिए, तो ये दोस्तों मैं अपना मंदिर में हमेशा अपना बांसुरी रखती हूँ कृष्ण कन्हैया जी की। और मोर पंख से अब हम अपने बाल गोपाल की, कृष्ण कन्हैया जी की नज़र उतारेंगे। तो आप भी मोर पंख से ज़रूर अपना नज़र उतारिए, और फिर हम भोग लगाएंगे और आरती करेंगे दोस्तों। कुछ इस तरीके से हम अपना छठी मनाएंगे। तो आप लोग भी अपना, अगर मूर्ति ना हो तो दोस्तों ज़रूर अपना इस तरीके से आप अपना करिए। और जल के मैंने छींटे पहले लगा दिए थे, क्योंकि जल के छींटे भी ज़रूरी है। और अब हम अपना कृष्ण जी की आरती करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों कौन कौन ये छठी, देखो कोई तो मतलब जिसने 6 तारीख को किया था वो 12 तारीख को छठी मनाएगा, और जिसने 7 को किया था वो 13 तारीख को छठी मना रहा है। तो हमारे यहाँ पे भी दोनों दिन छठी मनेगी, एक दिन मंदिर में, एक दिन जैसे लोग बाग अपना घरों में। जिसने 6 को किया था, जैसे मैंने 6 को किया था, तो मैं आज अपना छठी का कर रही हूँ और आप लोगों को उसी हिसाब से बता रही हूँ। तो दोस्तों आरती हमारी हो गई है, अब हम इसको जल से, और दोस्तों आरती करने के बाद में जल के छींटे ज़रूर लगाने चाहिए। तो बस कुछ इस तरीके से मैंने छठी का अपना पूजन किया है, और आप लोग भी अपना ज़रूर करिए दोस्तों। तो 2 दिन छठी है, वही 2 दिन फास्ट था, और 2 दिन ही छठी मनाएंगे लोग। तो आप लोगों को उसी हिसाब से मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो हरे कृष्णा दोस्तों।